साइंटिया जिमें कि तुसी जानते हो आप अपने चैनल पर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो सी टैट का एग्जाम हो, पी टैट का एग्जाम हो, एन टी टी का एग्जाम हो, एंड अगर आप गल करिए पी टैट का एग्जाम हो मास्टर कैडर के लिए एंड ईवन ई टी टी कैडर के लिए भी। अगर तुसी चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो, सो दैट तुहानू डेली दी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलदियां रहन। क्लियर, बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ठीक है जी। अगर आप गल करिए अज आप ई टी टी कैडर का जो क्लास स्टार्ट की है उसको कॉन्टीन्यू करांगे, नैक्सट टॉपिक करांगे। बेसिकली आपने चैप्टर स्टार्ट किया मैटल एंड नॉन मैटल, जिसका पार्ट वन मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, अच्छा करांगे पार्ट टू दी। जो अगर तुसी पार्ट वन नहीं देखा प्लीज़ पार्ट वन नू कवर कर लो, क्योंकि उस दे विच मैंने तुहानू मैटल्स दीआं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करवाइया सी। अगर हुण आपां नू किसे दा स्टार्टिंग ही नहीं पता तां उसनू आपां नैक्सट समझण दे विच प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्लीयर कर लो। अज आपां नॉन मैटल दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो स्टार्ट करांगे, स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मैटर गल करांगे, जस्ट अ सेकंड। फिजिकल वेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मैटर। देखो हुण नाम तो ही क्लीयर है, नॉन का मतलब जो मैटल का ओपोजिट होगा, इसका मतलब जिन्या भी आपां प्रॉपर्टीज मैटल दीआं डिस्कस कीतियां ने इह की होणगीआं उन्हां तो ओपोजिट होणगीआं। क्लीयर, क्योंकि नेम इंडीकेट कर दिंदा हर चीज़ नूं। तो सब तो पहला अगर मैं गल करा, आपां ने फर्स्ट पॉइंट की देखिया सी, लस्टर। फर्स्ट पॉइंट की देखिया सी आपां, लस्टर किसदा, मैटल्स दा। तो जो हुण नॉन मैटल्स ने यह लस्टर नहीं होंगे, नॉन मैटल्स पंजाबी अताता कह देंगे ने, इन्हों दी डू नॉट हैव शाइनी सरफेस, ठीक है। आयोडीन नू छोड़ के एक्सेप्ट आयोडीन, देखो आयोडीन एक नॉन मेटल है, एदी जो सतह होंदी है वह तो होंदी है, देखो अगर आप गल करिए शाइनी मतलब चमकीली, लस्टर का मतलब की है जो चमकीलापन होवे, थोड़ी चमकदार हो, चमकदार हो, उसनों तो आप कह दें लस्टर कह दें। बट जो नॉन मेटल्स ने इन्हों जो प्रॉपर्टीज ने मतलब इन्हों जो सरफेस ने वह शाइनी नहीं होंदिया, किनू छोड़ के, आयोडीन नू छोड़ के, क्योंकि जो आयोडीन है इसकी जो लेयर है वह की हो जाती है, शाइनी होंगी है, चमकदार होंगी है, ठीक है जी। सैकेंड आप गल करांगे हार्डनेस, सैकेंड वन इज हार्डनेस। देखो जो नॉन मैटल्स ने यह की होंगे ने, सॉफ्ट होंगे ने, यह हार्ड नहीं होंगे, क्योंकि जो मैटल्स ने वह हार्ड से, तो जो नॉन मैटल्स ने आर सॉफ्ट इन नेचर, ये सॉफ्ट होंगे ने नेचर के, सॉफ्ट इन नेचर मतलब इन्हों नू की है, इन्हों की कटिंग करना की है ईजी है। बट हुण अगर मैं गल करा डायमंड नू छोड़ के, जो अपना डायमंड इस एक्सेप्शन बहुत ने, जो डायमंड है यह कि एक नॉन मैटल है, क्योंकि कार्बन की फॉर्म होंगी है ना डायमंड, आपको पता है किस तो बनता है, कार्बन तो बनता है, कार्बन की अपना नॉन मैटल है, तो डायमंड की है नॉन मैटल है, कार्बन की फॉर्म है। बट जो डायमंड है इसकी कटिंग करना ईजी नहीं है, कटिंग बहुत डिफिकल्ट है। इसका मतलब जो अपने को डायमंड है यह की है हार्ड है, डायमंड की है हार्ड है। बट इस तो अलावा जिन्हें भी अपने को नॉन मैटल्स ने वह की ने, सॉफ्ट ने नेचर के, मीनस उन्होंने कटिंग करना की है ईजी है, क्योंकि वह सॉफ्ट ने, किसी भी सॉफ्ट चीज़ को आप नाइफ नाल भी कट कर सकते हैं। क्लियर, नैक्सट आप गल करांगे स्टेट की, नैक्सट आप गल करांगे स्टेट की। देखो स्टेट का मतलब की होंगे, अगर आप गल करिए स्टेट की होंगे भी, कोई सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। जो नॉन मैटल्स ने यह मेनली ना सॉलिड ते गैसीयस स्टेट के पाए जाते हैं, किस किस स्टेट के पाए जाते हैं,
सॉलिड एंड गैसियस स्टेट दे विच पाए जाते हैं। इस तो अलावा अगर मैं गल करा, देखो हुण कार्बन देखो सॉलिड है, ठीक है, एग्जाम्पल है, बट एक्सेप्शन तो होगी, मैं तुहानू कहा नॉन मेटल दे विच एक्सेप्शन्स बहुत आ जाती है। जो ब्रोमाइन है यह की होंगे अपने को नॉन मैटल होंगे, ब्रोमाइन की अपने को नॉन मैटल है जो कि है लिक्विड स्टेट दे विच पाया जाता है। किस स्टेट दे विच पाया जाता है? लिक्विड मीनस तरल पदार्थ है। एवं ना मैं तुहानू एक मैटल भी दसी सी, मैं तुहानू एक मैटल भी दसी सी जो कि है लिक्विड फॉर्म दे विच पाए जाते हैं। इको एक मैटल है, तुसी अज मैनू कमेंट बॉक्स दे विच दसोगे उस मैटल का नाम, लिक्विड मैटल का नाम दसोगे। मैं तुहानू करवाया सीगा कि एक ही मैटल है जो लिक्विड है एंड एक ही नॉन मैटल है जो लिक्विड है। नॉन मैटल तो तुहानू मैं अज करवाती जो लिक्विड स्टेट दे विच है, कौन है अपने को? ब्रोमाइन, ठीक है। तो तुसी मैनू कमेंट बॉक्स दे विच दसोगे कि मैटल केड़ी है जो लिक्विड फॉर्म दे विच है। नैक्सट फोर्थ प्रॉपर्टी की गल करांगे, मैलेबिलिटी। फोर्थ वन इज मैलेबिलिटी। देखो मैलेबिलिटी की सी, जदों आपां मैटल्स नूं किसी भी चीज नाल हथौड़े नाल मार दें तो मैटल्स किस दे विच कन्वर्ट हो जांदियां ने? शीट्स दे विच कन्वर्ट हो जांदियां ने। इसका मतलब वो मैलेबल प्रॉपर्टी शो कर दियां ने। बट जो नॉन मैटल्स ने, जो नॉन मैटल्स ने मतलब अतातां ने, ये मैलेबल नहीं हैगियां। यह की ने? नॉन मैलेबल ने। की ने? नॉन मैलेबल ने, क्योंकि जदों आपां इस नूं हथौड़े नाल मारदे आ तां इह शीट्स दे विच कन्वर्ट नहीं हुंदियां, तां इह की ने? नॉन मैटल ने, सॉरी नॉन मैलेबल ने इन नेचर्स दे विच। क्लियर? नैक्सट, क्लियर। नैक्सट आपां गल करांगे फिफ्थ प्रॉपर्टी दी। फिफ्थ वन है अपने कोल डक्टिलिटी। देखो थोड़ी नाल नाल रिवीजन भी हो रही है जो आपां फर्स्ट लैक्चर दे विच कीता सी, डक्टिलिटी। तां डक्टिलिटी की सी? देखो जदों आपां की है मैटल्स नूं हथौड़े नाल लगा लो वायरस दे विच कन्वर्ट कर दिंदे आ तां ओह कीड़ी प्रॉपर्टी शो करदा सी? डक्टिलिटी। जिवें कॉपर दियां वायरस तुसीं सुनिया होना। बट अगर मैं गल करां जो नॉन मैटल्स हैं, जो नॉन मैटल्स हैं जिन्हां दी आपां गल कर रहे हां, इह डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करदियां, मीनस नॉन डक्टाइल नेचर दियां हुंदियां ने, क्योंकि आपां की है नॉन मैटल्स नूं वायर दे विच पतलियां तारां दे विच नहीं बदल सकदे, तां इसलिए इह की हुंदे ने? नॉन डक्टाइल नेचर दे हुंदे ने। नैक्सट अगर मैं सिक्स प्रॉपर्टी की गल करां, जो नॉन मैटल्स ने ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ, ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਹੀਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ ਹੀਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਕਿਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਮੰਡ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜਾਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ? ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਵਨਥ ਦੀ। ਸੈਵਨਥ ਵਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਵਨਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਡੈਂਸਿਟੀ। ਜੋ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡੈਂਸਿਟੀ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਘਣਤਾ। ਜੋ ਅਧਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਲੀਅਰ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਨੋਰਸ, ਏਟਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਨੋਰਸ।
स्नोरस का मैं की मतलब दस्या सी, आवाज आना, जो आवाज पैदा करे साउंडफुल हो। पर जो नॉन मेटल्स ने यह की होंदिया ने नॉन स्नोरस होंदिया, की होंदिया ने नॉन स्नोरस होंदिया ने, मतलब नॉन मेटल दे विचो आवाज नहीं आती। जदों मैं दो नॉन मेटल नू की है या कोई भी नॉन मेटल नू किसी भी हार्ड सरफेस दे नाल सख्त जगह दे नाल सख्त सतह दे नाल टकरा दिंदी हां तां कोई भी की है आवाज प्रोड्यूस नहीं होंगी, साउंड या आवाज प्रोड्यूस नहीं होंगी। देखो जो पंजाबी मीडियम वाले कन्फ्यूज नहीं होना, मैं बिल्कुल पंजाबी दे विच करवा रही हाँ, हर चीज़ का तुहानू मैं मतलब दस रही हाँ पंजाबी दे विच। तां एवें नहीं कहना कि पंजाबी दे विच लैक्चर लगाओ समझ नहीं आ रहा, सब समझ आऊगा अगर तुसी ध्यान नाल समझोगे, क्योंकि मैं कोई भी एवें दा वर्ड यूज ही नहीं कर रही जिहदा तुहानू पंजाबी दे विच मतलब ना पता हो। ठीक है, एक होर अगर आप गल करिए लास्ट प्रॉपर्टी नाइन्थ, जो नॉन मैटल्स होंगे है जो आप इन्हों की बना लें ऑक्साइड्स बना लें, की बना लें ऑक्साइड्स बना लें, और जनरली अगर मैं गल करा कि होंगे एसिडिक नेचर के होंगे, किस नेचर के होंगे ने, एसिडिक नेचर के होंगे ने, मीनस ये की है तेजाबीपन की है पाया जाता है। तो नॉन मैटल्स की होंगे ने एसिडिक नेचर के, इतने तक तोड़िया की हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई मैटल्स दिया भी ते नॉन मैटल्स दिया भी दोनों दिया, मतलब तुहानू पता चल गया कि मैटल ते नॉन मैटल की होंगे ने। अगे जाके जो आप रिएक्शन करांगे तो तुहानू मैं सीधा तौर से दस्या करूँ हाँ जी भी ये किता सी ये इन्ना होंगे, तो तुहानू उदो समझ आ जूगा अगर तुम प्रॉपर्टी समझिया हुई ने। किसी भी चीज़ को समझण दे लई उहदा आपां नू पता होना बहुत जरूरी है, चाहे वह कोई परसन है, चाहे कोई एनीमल है, चाहे कोई चीज़ है, जो आप उसनों यूज करते हैं तो आपू की है उस चीज़ बारे थिंग बारे की है पता होना चाहिए। अगर तुम एक फैमिली च रहने तो आपू हर परसन दीज़ा जरूरत बारे पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हूँ अगर आप मैटल नॉन मैटल पढ़ रहे हैं तो आपको मैटल के नॉन मैटल बारे पढ़ा पता होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, हूँ आप गल करेंगे कैमिकल प्रॉपर्टीज बारे, नैक्सट आप डिस्कशन करा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटल। सब तो पहले मैटल्स की गल करा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कि मैटल किस किस नाल की करते हैं रिएक्ट करते हैं। अगर तुम मैटल तो नॉन मैटल लर्न करना तो पीरियोडिक टेबल के ईजली कर सकते हो, मेन मेन कर लो ना ज़्यादा करो, पीरियोडिक प्रॉपर्ट पीरियोडिक टेबल सॉरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं पीरियोडिक टेबल के ईजली की कर सकते हो लर्न कर सकते हो कि केड़े केड़े अपने को मैटल है केड़े केड़े नॉन मैटल है। हाँ जी, तो सब तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट की गल करा रिएक्शन ऑफ मैटल विद एयर। जदों की है कोई भी मैटल हवा दे नाल एयर दे नाल की करती है रिएक्शन शो करती है कि में, देखो एयर दे विच अपने को गैसेस प्रेजेंट होंगी है तो जो आप एयर लिख रहे हैं दा मतलब मैटल ऑक्सीजन नाल जदों रिएक्ट करती है, जदों मैटल ऑक्सीजन दे नाल रिएक्ट करती है ओ टू दे नाल तो ऑक्साइड बना देती है, मैटल दे की फॉर्म हो जाते हैं ऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं, मैटल दे की फॉर्म हो जाते हैं ऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं। जिमें दो मोलीक्यूल ऑफ कोपर, कोपर की है मैटल, इसनों जो मैं ऑक्सीजन दे नाल रिएक्ट कराऊंगी तो की फॉर्म हो जाता है कोपर ऑक्साइड, कोपर ऑक्साइड की अपने को मैटल ऑक्साइड। सिमिलरली तुम अलमीनियम ले सकते हो, फोर मोलीक्यूल मैं अलमीनियम के लिए जो उस थ्री मोलीक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के नाल मैं रिएक्ट कराऊंगी तो अपने को बन जाऊ टू एल टू ओ थ्री मीनस अलमीनियम ऑक्साइड बन जाऊ। क्लीयर, उम्मीद है तुम्हें क्लीयर हो चुका होना कि किस तरह नाल की है रिएक्शन होंगी है जो की है कोई भी मैटर की करे रिएक्शन शो करे। हम देखो जो अलग अलग मैटल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मैटल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मैटल्स हैं ये की करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट की शो करते हैं रिएक्टिविटी शो करते हैं किस दे नाल ऑक्सीजन दे नाल। क्लीयर, हाँ जी क्लीयर होया, हुण आपां इन्हां नूं पढ़ांगे कि किस तरह नाल की है, जस्ट सेकंड, किस तरह नाल की है रिएक्शन होंदी है। जिवें हुण देखो फस्ट मैं गल करां सोडियम दी, सोडियम का फॉर्मूला Na,
सोडियम अते पोटाशियम की अगर मैं गल करा, पोटाशियम के ना लिख दिया, यह की करते हैं वाइग्रसली मतलब भयंकर तरीके नाल की करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, हुण सोडियम नूं पंजाबी दे विच वी सोडियम ही लिखा जाता है इस तरीके नाल, आई थिंक सो। नहीं नहीं गलत है, सोडियम लिखा पंजाबी सोडियम ही जाता है, कि तुसी ध्यान नाल अपना लिख लियो। हाँ, तो अगर आप गल कर रहे सी, देखो इन्ने भयंकर तरीके नाल रिएक्शन होंगी है, अगर मैं इन्हों दोनों नूं की रखदा ओपन च रखदा, फिर इसका मतलब ये किहदे नाल रिएक्ट कर जाएंगे, एयर दे नाल, ऑक्सीजन दे नाल। जो ऑक्सीजन दे नाल रिएक्ट करेंगे तो यह की होंगे बहुत ज्यादा मतलब मीन्स ब्लास्ट वगैरह भी हो सकते हैं, इन्ने वाइग्रसली इन्नी तेजली की तेजी नाल की करते हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं, कौन सोडियम एंड पोटाशियम। इसे वजह नाल इन्हों दोनों नूं किस दे विच स्टोर किया जाता है, कैरोसीन ऑयल दे विच। किस दे विच स्टोर किया जाता है, कैरोसीन ऑयल दे विच की किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्लियर। नैक्सट अगर मैं गल करा सेकेंड पॉइंट की, जो अगर आप गल करिए आयरन है, आयरन भी की है अपने को नॉन मैटर सॉरी मैटल है, आयरन की है बर्न नहीं करता जो आप इनू हीट करते हैं, बट यही अगर आप गल करिए जो इनू की है एक पाउडर दे विच, ठीक है, आयरन फिलिंग पाउडर दे विच की है रखा जाता है, तो यह की कर हो जाता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, जो आप इनू हीट करते हैं उदो बर्न नहीं होंगे, आयरन जो हीट की जाती है लोहे नू उदो बर्न नहीं होंगे, तुसी करके देख लियो, बट अगर इनू आयरन फिलिंग पाउडर दे विच रखा जाता है तो यह की हो जाता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है। नैक्सट अगर मैं थर्ड पॉइंट की गल करा, जो अपने गोल्ड है एंड सिल्वर है, गोल्ड एंड सिल्वर जो मेटल्स हैं यह भी रिएक्ट नहीं करती किस दे नाल, ऑक्सीजन दे नाल, यह भी रिएक्ट नहीं करती किस दे नाल, ऑक्सीजन दे नाल, क्योंकि आप इन्हां दी ज्वैलरी पाने, आप इन्हां नूं एज अ ज्वैलरी पाने तो यूज करते हैं। देखो अपने कोल रिंग्स वगैरह होंगे, नैकलेस होंगे है, ठीक है, तो इन्हां दी अगर मैं गल करा इन्हां नूं की आप यूज नहीं करते, मतलब की है इन्हों यूज करते सीधे तौर पर, यह ऑक्सीजन नाल रिएक्ट नहीं करते, आप यूज करते हैं। ठीक है जी, तो नैक्सट अगर आप गल करिए इसका मतलब की है, कुछ चीजा कुछ मैटल्स की अलग तरीके नाल रिएक्ट करते हैं, डिफरेंटली रिएक्ट करती ने जो ऑक्सीजन नाल रिएक्ट कराया जाए, कुछ अलग तरीके नाल, मतलब सब की जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के नाल वह की है अलग अलग है, अलग अलग वेज के नाल की करते हैं रिएक्ट करते। क्लियर। नैक्सट अगर मैं गल करा नैक्सट देखो सैकेंड पॉइंट की, हजे तक आप ऑक्सीजन रिएक्शन की है। नैक्सट देखो कुछ की होंगे ने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की होंगे है, एम्फोटेरिक का मतलब कि जो एसिड का बिहेवियर भी शो करन, जो बेसिक बिहेवियर भी शो करन, जो एसिड एंड बेसिक एसिड एंड बेसिस का बिहेवियर शो करन, ते की प्रोड्यूस करन अपने को साल्ट प्रोड्यूस करन एंड वाटर प्रोड्यूस करन, उन्हें आप कह दें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कह दें। हुण एग्जाम्पल नाल समझते हैं, देखो जिवें एल्यूमीनियम ऑक्साइड लै लो Al2O3, इसनों अगर मैं किस दे नाल रिएक्ट करा दा, HCl नाल रिएक्ट करा दा, 6 मॉलिक्यूल मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे लैने, तो अपने को बन जूगा 2AlCl3, एल्यूमीनियम क्लोराइड नाल की बन जूगा वाटर। ठीक है, अगर मैं इसे एल्यूमीनियम ऑक्साइड नू बेस दे नाल रिएक्ट करा दा, बेस कौन अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड टू NaOH, तो अपने को बन जूगा 2 मोलीक्यूल्स NaAlO2 दे सोडियम एल्यूमीनियम ऑक्साइड दे नाल की बन जू वॉटर। इसका मतलब कुछ मैटल्स जिवें हुण मैंने इत्थे केड़ी मैटल लिया एल्यूमीनियम, कुछ मैटल्स दे जो ऑक्साइड्स ने मैटल ऑक्साइड ही लिखे ना मैंने एल्यूमीनियम नाल जदों ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी,
ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸਾਲਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਨਿਊ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਐਂਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਉਹ ਮੈਟਲ ਜੋ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਦੂਗੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਦੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਐਂਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਲਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸਾਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਥਰਡ ਵਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਟਲ ਦੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲਸ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਧਾਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈ ਲਓ ਸੋਡੀਅਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਹੈ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮੈਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਲੈ ਲਏ ਪਾਣੀ H2O ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਲੈ ਲਏ ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ 2NaOH ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਦੋ NA ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ OH ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਗਏ 2OH ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਬਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਦੋ ਤਾਂ H2 ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਲਏ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਚ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ CA ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਦਾ 2H2O ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਦੋ ਲੈ ਲਓ ਦੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ ਗਏ 2OH2 ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਗਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰੇਕ ਮੈਟਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੋਪਿਕ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਮੈਟਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਹ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਇਰਨ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੀਮ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਟੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਫ ਭਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋਟ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਆਇਰਨ ਹੈ ਇਹ ਭਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਜੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
उम्मीद है तुहानू अज मैं जिन्ना भी करवाया समझ आ चुकिया होना एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? नैक्सट आपां नैक्सट क्लास दे विच करांगे सो दैट तुसी कन्फ्यूज ना हो जाओ, तुहाडे लई भी थोड़ा जिहा नवा है। ठीक है, तां अगर तुहानू वीडियो वधिया लगदी है तां वीडियो नू लाइक करना ना भुलिया करो, प्लीज़ लाइक करिया करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के नाल जो कि है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तुहानू मैं फुल कोर्स करवाऊंगी, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो शेयर करया करो अपने फ्रेंड्स के नाल। एंड अगर आप गल करिए टैलीग्राम ग्रुप नो ज्वाइन कर लियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच लिंक प्रोवाइड मैं कर दूंगी एंड हर वीडियो नीचे होंगे, तुम ईजली ज्वाइन कर सकते हो। अपने डाउट तुम कमेंट सैक्शन के भी पूछ सकते हो एंड टैलीग्राम ग्रुप के भी अपना डाउट क्लीयर कर सकते हो, तो ईजली डाउट भी क्लीयर हो जूगा। क्लियर? थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू।